नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगभग पिछले 1.5 साल से जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है, न कोई वैकेंसी आ पा रही है ढंग से, न कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो पा रहा है और एक प्रतियोगी छात्रों के मन में एक निराशा का भाव आ गया था। लेकिन अब गुड न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई है, तो उसी के संबंध में ये वीडियो है। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो अब गवर्नमेंट भी अपनी नींद से जागी है और वैकेंसीज़ का अधियाचन डिपार्टमेंट से मांगा जा रहा है और बहुत ही जल्द यूपी SSC में समूह गा और घा की वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ कैसी है। देखिए, इसमें मैंने प्रेषक और जिसको भेजा गया है वो हटा दिया है कुछ प्रॉब्लम से। तो ये है विषय इसका है राजकीय महाविद्यालयों, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी में समूह गा एवं घा से संबंधित पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। इसका विषय यह है और ये 11/6/2021 को पत्र जारी हुआ था। इसमें कहा गया है कि महोदय, उपयुक्त विषय राजकीय महाविद्यालयों, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी में समूह गा एवं घा से संबंधित पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले राजकीय महाविद्यालयों से सूचना प्राप्त कर संलग्न प्रारूप में एक्सेल सॉफ्टवेयर में संकलित कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दिनांक 22/6/2021 तक निदेशालय के ईमेल आईडी, जो कि मैंने हटा दिया है, पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतएव प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये पत्र जारी हुआ है शासन स्तर से और इसमें सभी जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ से अध्याचन मांगा गया है। पदों की संख्या मांगी गई है कि कितने पद रिक्त हैं और कितने पद आपके यहाँ कार्यरत, कितने लोग आपके यहाँ कार्यरत हैं। तो इस ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात हो गई, ये हायर एजुकेशन की बात हो गई। इसी तरह और भी डिपार्टमेंट्स में इस तरह के पत्र जारी हो रहे हैं। जैसे ही वो मुझे मिलेंगे मैं आपको दिखाऊँगा उसको। और इसी के साथ एक गुड न्यूज़ ये भी है कि प्राइमरी अध्यापक के भी 5000 पदों का विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी हो सकता है। मान के लिए महीने से 2 महीने के अंदर ये 52,000 पदों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। अभी जो 5,000 पद जिसका वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का नाम है, उनका कार्य हो जाने के बाद, उनकी ज्वाइनिंग हो जाने के बाद ये 52,000 पदों का विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं या तैयारी उनकी शिथिल हो गई है, तैयारी में वेट कर रहे हैं कि जब फॉर्म जारी होगा तब देखेंगे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आप अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दीजिए और जितनी ज़्यादा अच्छे से कर सकें करिए, क्योंकि आने वाले 6 महीने सारे प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें बहुत सारे आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। जैसे UPSC में भी कैलेंडर इशू हुआ है, इसमें 2 मुख्य परीक्षा PCS प्री की 24 अक्टूबर को होगी और UPSC RO AR O की प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को होगी और अप्रैल में इसका मेंस होगा। तो दोस्तों, सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट RO AR O के बारे में भी बहुत ही जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए भी न्यूजेस आ रही हैं, लेकिन अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है इसलिए मैं वीडियो उस पर नहीं बना रहा हूँ। जैसे ही उसका कुछ मुझे कंफर्म न्यूज़ मिलती है तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो भी बना कर दूंगा। और जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है, जुलाई में कुछ उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होता है इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस और सूचनाओं अगर की ज़रूरत आपको हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।